गुरुवार को समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी के गोरखपुर आगमन पर सपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर बेतिहाता स्थित सपा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसे पार्टी की मजबूती और विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक के पश्चात लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी द्वारा लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड, समाजवादी छात्र सभा और यूजन सभा के पदाधिकारियों में कई बदलाव किए गए। इन चारों संगठनों में जो पदाधिकारी सक्रिय नहीं थे, उनकी जगह इंटरव्यू के माध्यम से नए पदाधिकारियों का चयन कर उन्हें दायित्व सौंपा गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा कि पदाधिकारियों का परिवर्तन उनकी सक्रियता को देखकर किया गया है। इस दौरान प्रदीप तिवारी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और उनके कार्यों की आलोचना की। किस वक्त आप पहले थे? आपने पार्टी के कौन से पदों पे काम किए? अधिकारी थे जी। क्या थे? विधानसभा। अब क्या चाहते हो? महानगर अध्यक्ष। किस संगठन में? लोहिया वाहिनी। समाजवादी आंदोलन के नौजवान, बहुत अनुशासन वाले नौजवान। तो आप सब लोग बैठ करके एक एक साथी अपना आवेदन भर करके जमा करेंगे, जैसे नगर के लोगों ने जमा किया है, जैसे गोरखपुर नगर के लोगों ने जमा किया, वैसे गोरखपुर जिले के लोग भी अपना अनुशासन में शानदार तरीके से आवेदन जमा करेंगे। जितना कम समय में आप लोगों का काम हम लोग कर देंगे। जो लोग आवेदन पत्र न दिए, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना आवेदन पत्र हमारे सचिव जी के पास जमा कर दें, मौर्य जी के पास, क्योंकि यहाँ की मीटिंग समाप्त होते ही आप लोग जितने आवेदक रहेंगे, एक एक लोगों को हम लोग बुलाएंगे और माननीय प्रभारी महोदय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के, उनके समक्ष आप लोग अपनी बात रखेंगे। ईमानदारी से जो आप लोग भरे हुए हैं उसमें, जो छात्र सभा के लिए भरेंगे वो कोशिश करेंगे, जो छात्र रहे ऐसा ना हो कि पता चले कि कहीं नाम भी न रहे छात्र सभा के लिए। जो यूथ संगठनों के लिए भरे वो 35 साल की उम्र के न हो, उसके नीचे के हो, वो लोग ही भरे। जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर की हो गई हो या 35 साल होने वाली हो, वो लोग और साथियों को अवसर देते हुए और खुद मेन कमेटी में जिला महानगर में जहां जगह पाए पामेन वादी में आकर के राजनीति करने का काम करें, या उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रदेश की कमेटी में जो यूथ की प्रदेश की कमेटी है जिसमें कपिल योगी भाई हैं, ये साथ अपना ले जाएंगे उन साथियों को। तो आप सभी लोग अपने अपने आवेदन लाइन से जाम न करिए, लाइन से जाके कर दीजिए। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 18 मंडल हैं। 18 मंडल में हमारे पार्टी के फ्रंटल संगठन के चारों प्रदेश के अध्यक्ष 18-18, 20-20 जिले, 4-4, 5-5 मंडल की जिम्मेदारी नेतृत्व ने दी है। उन जिलों में जा करके पार्टी फ्रंटल संगठन की समीक्षा
कमेटियों की समीक्षा और विधानसभा की कमेटियों की समीक्षा, बूथ कमेटियों की समीक्षा, पोलिंग पे जो नौजवान जाके काम कर रहे हैं उनकी समीक्षा, मतदाता पुनरीक्षण कार्य का जो चल रहा है इस समय देश में सबसे इम्पोर्टेंट काम उसकी समीक्षा, और अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी छात्र नौजवान कॉलेजों से पढ़ लिख करके निकले हैं उनको पार्टी संगठन में जुड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हम सब लोग कर रहे हैं। हमको तो नहीं देखने को मिल रहा है न मोदी लहर न योगी लहर है, ये तो खाली देश में जुमलेबाजी इन्होंने की है। कोई काम किया गरीब किसान नौजवान के लिए? नौजवानों से और खो दिया पकौड़ा बेचो, ये कहाँ पकौड़ा बेचेंगे? जिनके पूछो माँ बाप से बेचारों ने किस तरीके से खून पसीने की कमाई से उनको पढ़ाया लिखाया है, उनके भविष्य को बता दिया पकौड़ा बेचो। अब जो भी विचार और जो भी सम्मानित जनता सोचेगी वो समाजवादी लोगों की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं उनके बारे में सोचेगी। 2019 में क्या लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश में? 2019 में इस गद्दी देश की सबसे बड़ी गद्दी का चुनाव है, और देश की सबसे बड़ी गद्दी का जो ताले की चाबी होगी माननीय अखिलेश यादव जी के पास होगी। उनका समाजवादी आंदोलन का नौजवान सड़कों पर निकल चुका है, अपने नेता को बड़ी जीत दर्ज करके अपने नेता को देश की गद्दी के ताले की चाबी सौंपने का काम समाजवादी आंदोलन का नौजवान करने जा रहा है। तो कह रही है कि हमने किसानों को एक बड़ा सौगात दिया है, कुछ नहीं कह रही, ये सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं किसी प्रकार, ये सब निराधार की बातें हैं। ये सब जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। गोरे लोग तो इस देश से भाग गए, गोरे लोग तो देश से भाग गए, झूठ बोलने वाले लोग, अब ये भी लोग भी जल्दी चले जाएंगे। देश की जनता जब रोडों पर उतर आएगी ना तो फिर अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त पार्टी में युवाओं को किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है? देखिए, समाजवादी आंदोलन के सभी जिम्मेदार अनुशासन वाले नौजवान हैं, इनको जिला संगठन में और प्रदेश कमेटियों में समायोजित करने का काम किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि छात्र संघों से निकले अच्छे पढ़े लिखे नौजवान, जिम्मेदार नौजवान, उनको भी पार्टी संगठन से जोड़ने का काम किया जा रहा है बृहद स्तर पर पूरे प्रदेश में।